हे फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वैदिक मैथ्स लेकर, और इसमें आपको बहुत सरल मेथड बताऊंगा, जादुई ट्रिक जो होती है वैदिक मैथ्स की, उसमें से एक स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 4 3 2 1 4 1 3 2 1, सपोज दिस डिजिट है, और यहां पे भी एक और डिजिट लिख लेते हैं 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 11 से। अब इसका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे डिजिट का आपको मैं कहूँगा कि आप अपने कॉपी से करने स्टार्ट करिए, तो आपको इसको करने में, कई बच्चे तो करेंगे ही नहीं क्योंकि सर बहुत बड़ा है, कुछ बच्चे करेंगे, कोशिश करेंगे तो भी उसमें थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे क्योंकि जोड़ने में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, पर आप में से कोई बच्चा, आज आप कर रहे हैं, वेरी गुड, करिए, करते रहिए, जब आपका हो जाए तो हाथ राइज कर दीजिए। ओके, देखिए टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, मैं देखता हूँ कितना टाइम लग रहा है आपको, ये देखिए, वेरी गुड, टाइम लग रहा है क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको, अच्छा आपका हो गया, नहीं अभी नहीं, अच्छा कर लीजिए, कर लीजिए, अच्छा सर मेरा हो गया, ओके। नाउ आप देखिए, मैं लिख रहा हूँ आंसर, आप देखिए अपना टैली करके देखिए वो सही है कि नहीं। नाउ 3 7 7 5 3 5 5 4 5 3 1, दिस इज द आंसर, ये आंसर है उसका, यस, टैली हो गया, गुड, वेरी गुड। सो ये आंसर आया कैसे, ये मैं आपको आप बताता हूँ कि वैदिक में इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप ट्रेडिशनल देखिए, 11 × 11, आप क्या करते हैं इसको 1 1 × 1 1, ओके, 1 यहाँ उतारा, 2 1, ये आंसर आ गया। इसको एक बार और कर लेते हैं अपन, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, 121 × 11, नाउ 1 2 1 × 1 2 1, सो 1 3 3 1, ये हो गया, दो बार कर लिया, आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको वैदिक से बताता हूँ करते कैसे हैं, 11 × 11 करना कुछ भी नहीं है, इस 1 को यहाँ लिखना है और इस 1 को यहाँ लिखना, और इन दोनों को ऐड कर देना है, ये आ गया आंसर, 121 आ गया। अब मैं एक बार और करता हूँ आपका 11 से, 1 इस 1 को यहाँ लिखो, इस 1 को आखिरी को यहाँ लिखो, ये 1 और इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 3, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 3, तो ये आंसर और आपका ये आंसर बोथ आर सेम, सो वेरी इजी प्रोसेस, एवरीवन अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया, थैंक यू। सो नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो आपको एक और मेथड बताऊँगा बहुत अच्छे से, थैंक यू वेरी मच।